हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक और न्यू गेम प्ले में। तो भाई आज हम करने वाले हैं न्यू क्रॉप प्लांट, जो कि ऑयल सीड नाम से आई है। आपको मैं मैप खोल पे दिखा देता हूँ। ये वाली जो ऑयल सीड रशीद ऐसे नाम करके इसका क्रॉप का नाम है। तो भाई ये वाली क्रॉप मेरे को तो ऐसे लगता है ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन आपको लगता है तो कर लेना। आप कैसे यूज करना है इसको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको सेलेक्ट, तो ये दो पत्ते से बने हुए आ जाएंगे इसके। तो यहाँ पर मैं सीडर को करता हूँ ऑन। बेसिकली इसका काम ये है, आपको फर्टिलाइजर की मात्रा ये बढ़ा देगी। अगर इसको आप अपने फील्ड में लगा दोगे, खेत में लगा दोगे। और यहाँ पर मैंने हेल्पर आई कर दिया है और आपको दिखाता हूँ पीछे जाके। तो इधर देख लो भाई, यहाँ पर अभी ये नीड प्लोइंग मांग रहा है और 50% फर्टिलाइजर हो गया है, सॉरी फर्टिलाइजर हो गया है, और यील्ड बोनस हमको 50% मिल रहा है। तो यही थी। और इसको जैसे ही ये ग्रो करेगी तो आपने क्या करना है, कल्टीवेटर चला देना है, बस इतना ही काम है इसमें, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो भाई यहाँ पर आपको फर्टिलाइजर करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आप इससे काम चलाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, और अगर आप फर्टिलाइजर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लेकिन मेरा ओपिनियन बताऊँ तो मेरे को बेस्ट लग रहा है वो फर्टिलाइजर वाला, क्योंकि आप छोटे फील्ड में तो आपको इसको कर लोगे, लेकिन अगर आप बड़े फील्ड में काम करना चाहते हो तो इसको यूज करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पहले तो आप इसको सीडिंग करना है, फिर ये ग्रो करेगी, और फिर कल्टीवेटर चलाना है, फिर दोबारे से आप सीडिंग करोगे। इतने टाइम में तो आप दो बार फसल को काट लोगे, हार्वेस्ट कर लोगे, और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो मेरे को तो इस वाली क्रॉप का ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है, पर क्या करें, ये ऐड कर दिया है जैन सोल्टर वालों ने, तो यूज़ करके देख लेते हैं देखने में क्या जाता है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इतनी ही प्लांट करता हूँ आपको दिखाने के लिए, और वैसे भी मैं क्या ही करूँगा इसको प्लांट के लिए, फर्टिलाइजर करूँगा। तो इसको कर देता हूँ ऑफ, और अब थोड़ा सा मैं स्कीप पे टाइम करता हूँ ताकि ये ग्रो हो और मैं आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पर कर देता हूँ इसको सीडर को खड़ा। तो भाई यहाँ पर मैंने कर दिया है थोड़ा टाइम को स्कीप, और यहाँ पर मेरे पूरे फील्ड को ही प्लांट कर दिया है। मैंने सोचा कि पूरा फील्ड ही कर देता हूँ प्लांट, थोड़ा अच्छा तो लगे और थंबनेल लेने के लिए भी ठीक रहेगा। तो इस वजह से मैंने पूरा ही फील्ड इसको सॉरी प्लांट कर दिया, और अब ये दिखा रहा है रेडी टू हार्वेस्ट। तो यानी कि आप अगर इसमें हार्वेस्टर घुसाने की कोशिश करोगे तो वो पिक नहीं करेगा इसको, और ये हार्वेस्ट नहीं होगी। पर हार्वेस्ट की बजाय आप इसमें कल्टीवेटर चलाओगे तो ये वाली क्रॉप कल्टीवेट हो जाएगी, और आपका जो ये अभी यील्ड बोनस 50% दिखा रहा है, ये शायद 80% या 100% दिखाने लग जाएगा। और इसमें अभी सीडर से हमें सीडिंग की है, तो इसमें 50% तो सीडर में था फर्टिलाइजर, वो हो गया, तो 50% तो ऑलरेडी है इसमें। और अभी नीड प्लोइंग मांग रहा, तो अभी कल्टीवेटर करके देखते हैं इसमें काम चल जाएगा कल्टीवेटर से। तो ये मैंने मेसी वाले ट्रैक्टर के पीछे लगा रखा है कल्टीवेटर, और छोटा कल्टीवेटर है इस वजह से कि अभी मेरे पास मनी नहीं है इतनी कि मैं बड़ा वाला ले सकूं, तो इस वाले से ही काम चलाना पड़ेगा अभी। सीधा नहीं चल रहा यार, एक तो मेरी ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लो यहाँ पर मैंने AI हेल्पर को ऐड कर दिया है, तो अभी मैं पीछे का दिखाता हूँ जाके। तो यहाँ पर देखो भाई, 100% फर्टिलाइजिंग आ रहा है, और अभी भी ये लेकिन नीड प्लोइंग मांग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों मांग रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर तो अभी 100% हो चुका है इसमें। अभी आप डायरेक्ट सीडिंग कर सकते हो इसमें, कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। और इस वाले में देखे तो इधर की साइड देखे तो यहाँ पर देखो 50% है यील्ड बोनस, और यहाँ पर आओगे तो ये देखो 100% दिखा देगा आपको, यानी कि ये रेडी है सीडिंग करने के लिए ये फील्ड। तो अभी मैं आपको सीडिंग भी करके दिखा देता हूँ।
ये जोंगे वाला ट्रैक्टर भी इस सीडर के साथ बहुत अंडर पावर होता है, इधर से जाता है तो इतना काफ़ी, इतना मतलब कि इसको जोर नहीं आता, लेकिन वहाँ से उधर से आता है ना तो ये चढ़ाई करती है, तो ये थोड़ा सा अंडर पावर होता है। एक काम करता हूँ, इसमें कनोला प्लांट कर लेता हूँ, क्योंकि कनोला वाली ये क्रॉप हमें चाहिए, ऑयल बना के हमें सेल करेंगे तो वहाँ हमको प्रॉफिट होगा, तो इसलिए कनोला ही प्लांट कर रहे हैं। तो ये देख लो भाई, यहाँ पर कनोला प्लांट कर दी मैंने, लेकिन ये वाला हर्बिसाइड मांग रहा है, तो प्लॉट इतना तो काम नहीं करेगा, ये हर्बिसाइड तो आपको डालना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का काम करता है ओनली, आपको फर्टिलाइजिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हर्बिसाइड तो करना पड़ेगा आपको। ये देखो इसमें वीड उग रहे हैं हल्के हल्के, तो इसमें हर्बिसाइड डालने की ज़रूरत है अभी। और यहाँ पर ये देखो फर्टिलाइजर 100% है, और इस वाले में देखोगे तो फर्टिलाइजिंग 100% है, लेकिन आपको हर्बिसाइड डालना ही पड़ेगा। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।